हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यूपी जीके का क्वेश्चन लेके आए, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन है आपका किसनपुर, कतरनिया घाट, रायपुर और चंबल। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कतरनिया घाट आपका 1975 में स्थापित किया गया था। अगर किसनपुर पूछे तो 1972 हो जाएगा। अगर आपका पूछे कि चंबल वन्यजीव अभयारण्य तो 1979 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कतरनिया घाट 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है। ऑप्शन है आपका पीलीभीत, चंदौली, उन्नाव और महाराजगंज। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका चंदौली में स्थित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजय सागर पक्षी विहार बिहार में विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन है आपका महोबा, मेरठ, मुरादाबाद, महाराजगंज। विजय सागर पक्षी विहार पूछा है तो ये आपका महोबा में स्थित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ऑप्शन ए दुधवा, ऑप्शन ए आपका दुधवा, पीलीभीत, कार्बेट, राजा जी। तो आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपका कार्बेट का हिस्सा है, कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन है आपका महोबा, मथुरा, मैनपुरी, महाराजगंज। तो अगर आपका मयूर संरक्षण केंद्र पूछा है तो वो आपका मथुरा में। ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है महावीर स्वामी अभयारण्य ललितपुर में है, लाख बहोसी कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य मिर्जापुर एवं सोनभद्र। तो जो आपका महावीर स्वामी अभयारण्य है वो आपका ललितपुर में है, ये तो सही है। आगे आपका लाख बहोसी है वो कन्नौज में है, इसके बाद जो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है ये बलरामपुर में नहीं है, ये लखीमपुर खीरी में है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन है आपका सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट, कालेश्वर। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शन है आपका किसन, सुरहा ताल, कतरनिया घाट और कालेश्वर। तो देखिए आपका जो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है आपका लखीमपुर में है, आपका कतरनिया घाट या आपका बहराइच में है, आपका सुरहा ताल हो गया ये बलिया में है, ये तीनों यूपी के हैं। जो कालेश्वर है ना वो हरियाणा का है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ये यूपी में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण कहाँ स्थापित किया गया। तो ऑप्शन है आपके सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज, मेरठ। तो पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया महाराजगंज। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। पटना पक्षी अभयारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, चित्रगुंडी पक्षी अभयारण्य, उधवा पक्षी अभयारण्य। तो देखिए आपका पटना पक्षी ये तो आपका यूपी में है, ठीक है। आपका चित्रगुंडी पक्षी विहार ऑप्शन सी, ऑप्शन थ्री और उधवा पक्षी विहार ये आपका यहाँ यूपी का नहीं है। चित्रांगड़ी जो चित्रागुंडी है जो ये तमिलनाडु का है, और उधवा पक्षी विहार आपका झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र। ऑप्शन है 4.46, 5.64, 6.84, 8.36। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6.84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 8 जुलाई से 15 जुलाई, 16 जुलाई से 22 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई, 23 जुलाई से 30 जुलाई। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई से 7 जुलाई, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची ए को 2 से मिलाना है, नवाबगंज पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार, पार्वती अरंगा पक्षी विहार, और आपका इधर गोंडा, उन्नाव, गाजियाबाद और रायबरेली दिया है। तो देखिए आपका नवाबगंज पक्षी विहार है वो आपका उन्नाव में है, नवाबगंज पक्षी विहार है वो आपका उन्नाव में है, और आपका ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद में है, समसपुर आपका पक्षी विहार रायबरेली में है, और पार्वती अरंगा गोंडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, अब भी हमने बताया कि नवाबगंज पक्षी विहार आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, उन्नाव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए को 2 से मिलाना है, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा राज्य दिया है, और बांदीपुर राजा जी उद्यान दिया है, कौन सा उद्यान कौन से राज्य में है बताना है आपको। तो आपका उत्तर प्रदेश में आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश में है आपका, आपको मिलाना है आपका जो मानस पक्षी विहार है, मानस वो आपका है असम में, आपका सिमलीपाल है उड़ीसा में, आपका राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, और बांदीपुर जो है वो आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन है आपका गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, संत कबीर नगर, भारतीय पशु अनुसंधान बरेली, पक्षी सेंचुरी भरतपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल। तो देखिए आपका गंगा डॉल्फिन सेंचुरी है वो भागलपुर में है, ठीक है, भारत पक्षी पशु अनुसंधान बरेली सही है, पक्षी जो आपका भरतपुर, राष्ट्रीय डेयरी करनाल ये भी सही है, तो ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी आपका भागलपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे, बलरामपुर, इटावा, महाराजगंज, पीलीभीत। बब्बर शेर सफारी जो आपका है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है आपका महाराजगंज, बलरामपुर, इटावा और पीलीभीत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इटावा, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है, ऑप्शन है आपका लखीमपुर खीरी सोनभद्र पीलीभीत चित्रकूट। तो वन आच्छादित सबसे ज़्यादा आपका सोनभद्र है, 4 जिले हैं सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत और मिर्ज़ापुर। तो अगर यहाँ सोनभद्र दिया है तो ऑप्शन भी राइट हो जाएगा सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुराहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो सुराहाताल पक्षी विहार ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बन रहा है, तो आपका उत्तर प्रदेश में लायन सफारी बन रहा है इटावा में बन रहा है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सॉरी आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, लायन सफारी बन रहा है इटावा में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, समसपुर, वेदांतगल, घटप्रभा, जायकवाड़ी। तो देखिए आपका पूछा है कि कौन सा यूपी में स्थित है, तो आपका समसपुर पक्षी विहार जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में है, जो वेदांतगल है वो आपका तमिलनाडु में है, और घटप्रभा आपका कर्नाटक में है, और जायकवाड़ी आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका लखीमपुर खीरी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये आपका चंदौली जिला हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। चंद्रप्रभा मृगवन आपका यूपी में है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न वन्य जीव अभयारण्यों में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? खेनी, करेरा, बोरी, चंद्रप्रभा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, चंद्रप्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश वन निगम आपका 25 नवंबर 1974 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सरिस्का, अमनगढ़, जिम कार्बेट, पन्ना। तो आपका हो जाएगा अमनगढ़, बाघों के संरक्षण के लिए अमनगढ़, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब बाघों के संरक्षण के लिए यूपी में 3 टाइगर रिजर्व हैं। जैसे पहला टाइगर रिजर्व दुधवा है जो 1987 में बनाया गया था, दूसरा अमनगढ़ है और तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है? लखनऊ, वृंदावन, अलीगढ़, कानपुर। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? ऑप्शन है आपका बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, जेपी नगर। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बिजनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, समसपुर, पक्षी अभयारण्य, सरसई, सुरिंसर, मानसर झीले। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सुरिंसर, मानसर झील। ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी, शारदा नदी। तो आपका गंडक नदी होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सौज झील, मैनपुरी, सेखा झील, अलीगढ़, बखीरा झील, संत कबीर नगर, सरसई झील, आगरा। तो देखिए, आपका सौज झील है वो आपका मैनपुरी राइट है, सेखा भी राइट है, बखीरा है आपका संत कबीर नगर, और सरसई झील जो आपका आगरनी इटावा होगा। तो यही आपका सही सुमेलित नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा, वाराणसी, गोमती, सुल्तानपुर, कोसी, गोरखपुर, सरयू, अयोध्या। तो देखिए, गोरखपुर में देखिए, वाराणसी में गंगा सही है आपका, गोमती, सुल्तानपुर, सरयू, अयोध्या, लेकिन गोरखपुर में राप्ती नदी होगा, कोसी नहीं। तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और कासगंज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी चंदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ऑप्शन है महानंदा, सोन, रामगंगा और गंडक। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा, गोरखपुर, राप्ती, जौनपुर सही, कौशाम्बी, यमुना। तो बिठूर गंगा सही है आपका, गोरखपुर राप्ती आपका सही है, जौनपुर में गोमती होगा, सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा सर्वाधिक क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है आपका पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सूची ए को दो से मिलाना है, चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या, इधर नगर दिया है, इधर नदी दिया है। तो देखिए आप चित्रकूट, आप चित्रकूट को मंदाकिनी से मिला दीजिए। जौन आपका जौनपुर में गोमती हो जाएगा, मथुरा में आपका यमुना नदी हो जाएगा, अयोध्या में सरयू नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? पार्वती अरंगा, सूर सरोवर, सुराहा ताल, ऊपरी गंगा नदी। तो देखिए ऊपरी गंगा नदी जो आपका वो पहला रामसर स्थल है, आपका सुराहा, आपका पार्वती अरंगा भी है जो कि गोंडा में है, सूर सरोवर है आपका जो आगरा में है। तो आपका पूछा है कि किसे नामित किया गया है, तो लगभग तो सारे ही हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यूपी जीके का क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।